हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग की ओर से जिले के आर्ट एंड कॉमर्स संकाय के 100 विद्यार्थियों के दल को जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने हरी झंडी दिखाकर अमृतसर के लिए रवाना किया। इसमें जिले के सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं और आर्ट शिक्षकों का यह दल सोमवार को 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुआ है, जो अमृतसर, अटारी बॉर्डर, जालंधर, चंडीगढ़ के बाद वापसी में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का भ्रमण कर पाएंगे। इस मौके पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि इस तरह की यात्राएं बच्चों के सर्वांगीण विकास में अहम रोल अदा करती हैं। बच्चे जो पुस्तकों में नहीं सीख पाते, वे हर तरह की यात्राओं के साथ सीखने को मिलता है। विद्यालय शिक्षा विभाग के द्वारा पहली बार जो 11वीं कक्षा की छात्रों और छात्राओं के लिए शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया है, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। और बच्चियां तो विशेष तौर से बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। अभी तक विज्ञान संकाय के लिए जाता था और पहली बार कॉमर्स और आर्ट की बच्चियों को मिला है। अमृतसर जाएंगे जहाँ पर बच्चियाँ गोल्डन टेम्पल को देखेंगी, फिर अटारी बॉर्डर पर जाएंगे, जालंधर के अंदर जंगे म्यूजियम जाएंगे, उसके बाद चंडीगढ़ के लिए रॉक गार्डन है, सुखना लेक है। मतलब एक सर हमें टूर पे आकर टूर पे जाना है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इससे स्टूडेंट लाइफ में ही हम घूम फिर सकते हैं। स्कूल से हमें पहली बार मौका मिला है कि टूर पे जाने का। हम अमृतसर में जाएंगे, हमारे हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ वहाँ पर भी जाएंगे और आर्ट्स और जो भी।